उनके बाप दादा से पूछ लेंगे, शहाबुद्दीन साहब लोग उनका गुनगा के अपने घर में फोटो रख के पूजा किया है लोग, और आज उनके जो जिनके बदल शहाबुद्दीन साहब का पूजा एकदम घर घर में फोटो लोग रखता था, उनके नाम पे लोग जीता था सर। आज यही लोग हैं जो शहाबुद्दीन का नाम लेके वोट मांग रहे हैं विरोध करके, यही लोग सिवान से बाहर जाते हैं तो शहाबुद्दीन का नाम, सिवान को भ्रष्टाचारियों से, बलात्कारियों से, नशा से, क्राइम से, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधारना है और गलत चीज़ों से दूर करना है तो हर जगह हर जिले में शहाबुद्दीन जैसा वीर पैदा होना जरूरी है, तभी जाके इन जालिमों का खात्मा होगा। यदि मैं भी टिप्पणी करूँ, क्या स्वास्थ्य विभाग में जो मंदिर बन रहा है बनने की जगह है? सरकारी अस्पताल में, स्वास्थ्य विभाग सरकारी अस्पताल में अपने सिवान सदर में जी बिल्कुल पहले उद्घाटन हुआ, बिल्कुल बिल्कुल उस पर कोई आवाज उठा है? मैं देख रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, यदि आज आवाज उठाऊंगा तो कल सिवान में ये लोग उसको जात पात में बांट के और लाएंगे वोट की राजनीति करने, मानवता से हटके। और दशहरा में जो रोड पे और कहां बता रहे दशहरा में जो रोड, एक मिनट, सरकारी अस्पताल में मंदिर बनाए बिल्कुल सिवान में, बता रहा हूँ मैं। स्वागत है आप सबका, 28 तारीख को नगर परिषद का चुनाव होने वाला है, जो कैंडिडेट है या कैंडिडेट के जो समर्थक हैं अपनी अपनी अपने अपने हिसाब से मीडिया के सामने अपनी बात को रख रहे हैं ताकि लोग उनके समर्थन में वोट करें। गुफरान जी हैं, आरक्षण नहीं होता तो चुनाव लड़ते हैं चेयरमैन के, बिल्कुल क्या कहेंगे? देखिए आपके हैं आप लोग, हाँ बिल्कुल, क्या करिएगा, सरकार के नियम को पालन करना पड़ रहा है, आरक्षण हो गया चुनाव, जिसके कारण हम लोग काफ़ी मेहनत किए हैं, चुनाव नहीं लड़ सके, स्वागत करते हैं आरक्षण का। और मैं सिवान वासियों से बताना चाहूँगा कि तरह तरह से विवाद उन्माद फैलाने वाले बात कर कर के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। मैं सोचा था कि चुनाव के दो दिन पहले लाइव आऊँगा ताकि आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को मैसेज दे सकूँगा कि चुनाव में जो तरह तरह के लोग रूमर एक दूसरे पर टिप्पणी कर रहे हैं, फैला रहे हैं, कोई किसी कुछ और टिप्पणी कर रहा है, कोई किसी का नाम ले रहा है, कोई मंदिर का नाम लेके वोट मांग रहा है, कोई मस्जिद का नाम लेके वोट मांग रहा है, तो अपने धर्म का कोई बात कर रहा है तो इसमें क्या आप लोगों का इतराज है भाई? चलिए मैं आपके बात से सहमत हूँ, धर्म पाक चीज होता है ना, हाँ। पूजनीय स्थल पे होना चाहिए ना, हाँ। पूजा करना है तो मंदिर में जाके करिए कि देश हित को धर्म से जोड़िएगा, मंदिर से जोड़िएगा, मस्जिद से जोड़िएगा ताकि उन्माद फैलाइएगा। मैं कहा कह रहा हूँ, मैं तो राजी हूँ, अपने अपने धर्म को मानिए ना, यही तो हमारा भारत देश का खूबसूरती है। आप लोग अपने धर्म का बात करें तो ठीक है, दूसरा कोई अपने धर्म का बात कर रहा है तो आप लोग अहमद सिद्दीकी कभी धर्म का बात किया है? पूरी सिवान जानती है, इवेन कि मेरा भाई भी हो, गलत करे तो गलत है। और मैं जिस मसलक से आता हूँ, जिस शरीयत से आता हूँ सर, उस मजहब से स्पेशल बताया जाता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम लोग मानने वाले हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि जिसने किसी गैर मजहब यानी जिसने किसी दूसरे जात को तकलीफ पहुंचाया वो समझो हमें तकलीफ पहुंचाया। फिर हम कैसे दूसरे को तकलीफ दे सकते हैं? साधारण सी बात है, हम आ रहे हैं, एक नेता कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह कह के कोई वोट मांग सकता है तो हम लोग जय श्री राम कह के क्यों नहीं वोट मांग सकते हैं? यही तो उन्माद की बात है, इंशाअल्लाह कह के सिवान नगर परिषद में कोई वोट मांग रहा है तो इंशाअल्लाह का मतलब है, जय श्री राम का मतलब क्या होता है उसको भी तो उनको व्याख्या करना चाहिए ना। इंशाअल्लाह के मैं जिस रब को मानता हूँ, जिसका पूजा करता हूँ, अल्लाह ने चाहा तो जरूर हम लोग चुनाव जीतेंगे। और जय श्री राम भगवान का लेके नाम वोट मांग रहे हैं और वो तो वोट मांगना नहीं हुआ, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जरूर, क्योंकि रब ही ना सब कुछ है सर, हम लोग पूजा और नमाज रब के लिए ना करते हैं, उसी से ना अपना सिफारिश करेंगे के लोग से क्या सिफारिश आप बताइए। शहाबुद्दीन साहब का भी हाँ ये माकूल बात है, जिक्र हो गया, जिक्र हो गया है बिल्कुल। सर एक बात बताएं, हाँ बताइए, उन मरहूम का नाम लेने वाले मैं एक बार बता देना चाहूँगा कि विकास मुद्दे, शिक्षा स्वास्थ्य और गरीब से जुड़े रोजगार मुद्दे को लेके वोट मांगे, उस मरहूम विकास पुरुष का नाम लेके वोट मांग रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगा उन विरोधियों को जो उनका नाम ले रहे हैं, समझे, उनके बाप दादा से पूछ लेंगे, शहाबुद्दीन साहब लोग उनका गुनगा के अपने घर में फोटो रख के पूजा किया है लोग, और आज उनके जो जिनके बदल शहाबुद्दीन साहब का पूजा एकदम घर घर में फोटो लोग रखता था, उनके नाम पे लोग जीता था सर, आज यही लोग हैं जो शहाबुद्दीन का नाम लेके वोट मांग रहे हैं विरोध करके, यही लोग सिवान से बाहर जाते हैं तो शहाबुद्दीन का नाम लेके अपना परिचय देते हैं।
वो क्या बात करेंगे, उनकी फिसाद क्या है बात करने की, और कहते हैं कि शहाबुद्दीन नहीं पैदा होने देंगे। सर गुफरान अहमद सिद्दीकी संकल्प लिया है कि मैं शहाबुद्दीन के नक्शे कदम को फॉलो कर रहा हूँ, और कात है तो रोक के दिखा दे गुफरान अहमद सिद्दीकी को। अगर मैं तो बार बार कहता हूँ कि मेरे जैसे सोच के सभी नौजवानों को होना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ यदि विकास करना है, यदि शिक्षा सुधारना है, यदि स्वास्थ्य सुधारना है, तो हर घर में पूरे बिहार में एक एक घर में शहाबुद्दीन जैसे सोच के लोग और शहाबुद्दीन पैदा हो। और यदि किसी में का गुफरान अहमद सिद्दीकी को ही रोक के दिखाए ना, अभी तो मैं ही शहाबुद्दीन के नक्शे कदम को फॉलो कर रहा हूँ। अपने शिक्षा पे वोट मांगे, स्वास्थ्य बेस पे वोट मांगे, कब तक जनता को ठगिएगा, कब तक जय श्री राम का नारा लगाइएगा? आप लोग इंशाल्लाह बोलिए तो ठीक है। मैं तो कहा इंशाल्लाह, कोई बोल रहा है? मैं तो चुनाव सर नहीं लड़ रहा हूँ, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। स्वतंत्र भारत आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये हमारे देश की खूबसूरती है कि सभी जात ने मिल के देश को आजाद कराया है। मैं कहाँ इस चीज़ से निगलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन विकास मुद्दे पे ना वोट मांगिए। इंशाल्लाह का मतलब अल्लाह ने चाहे तो ज़रूर, यदि आप ही पूछते हैं कि ये काम होगा तो मैं रब को मानने वाला हूँ, तो मैं कहूँगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने चाहे तो होगा ज़रूर, कोशिश हमारी है, भगवान अल्लाह देगा हमको, कर्म करेंगे तो देगा, मेरा मतलब यही है। तो इसका मतलब आप क्या कहिएगा, भगवान का नाम ना पिए? सर राजनीति एक अभी के दौर में बोलिए और बात जी बताइए। बिल्कुल, जुमा का नमाज मस्जिद के बाहर होता है, उस पर भी बबलू शाह का बयान आया है मीडिया के सामने, तो इसका मतलब पूरा दशहरा में आप बताइए। मैं तो ऐसा बात नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं सब धर्म का इज्जत करता हूं। हमारे साथ मुसलमान से ज्यादा हिंदू भाई लोग रहते हैं, और मैं उनके घर पे रहता हूं, खाता हूं, पीता हूं, बैठता हूं। लेकिन इसका मतलब यदि मैं भी टिप्पणी करूं, क्या स्वास्थ्य विभाग में जो मंदिर बन रहा है बनने की जगह है? सरकारी अस्पताल में, स्वास्थ्य विभाग सरकारी अस्पताल में, अपने सिवान सदर में जी, बिल्कुल पहले उद्घाटन हुआ, बिल्कुल बिल्कुल, उस पर कोई आवाज उठा है? मैं देख रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, यदि आज आवाज उठाऊंगा तो कल सिवान में ये लोग उसको जात पात में बांट के और लाएंगे वोट की राजनीति करने, मानवता से हटके। और दशहरा में जो रोड पे, और कहा है बता रहे दशहरा में जो रोड, एक मिनट, सरकारी अस्पताल में मंदिर बनाए, बिल्कुल बता रहा हूँ। दशहरा में जैसे हमारे सप्ताह में एक दिन जुमा की नमाज होती है, तो हम लोग नमाज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी अच्छे हिंदू भाई को दिक्कत नहीं है, ये उन्मादियों को उनसे परेशानी है। जैसे दशहरा में अगर चौराहे चौराहे पे टेंट रख के और क्या कहते हैं, भगवान जी लोग का मूर्ति रहता है, उसमें लोग पूजा करने जाते हैं, तो क्या मैं दोस्तों के साथ नहीं जाता हूँ? तो क्या मैं उन्माद फैलाता हूँ? ये लोग चुनाव में जीतने की औकात नहीं है, इनके कोई फिसाद नहीं है, मुद्दा कुछ है नहीं, बेसिक पॉइंट जनता नकार चुकी है, तो ये लोग शहाबुद्दीन का नाम ले रहे हैं और ये लोग मंदिर मस्जिद का बात कर रहे हैं। हमसे बात करके दिखाए ना, इन लोग का भाग है। अच्छा है सर, मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि चुनाव आरक्षण कर दिया, अन्यथा गुफरान अहमद सिद्दीकी लड़ता ना तो खाता नहीं खोलने देता। अफसोस होता है मुझे इस बात का। जनता हमारा प्यार इस तरह से है हर जाति में कि मैं पूजता हूँ और लोग हमको पूजते हैं। कोई बेटा मानता है, मैं किसी को चाचा मानता हूँ, कोई मुझे भाई मानता है, मैं किसी को बहन मानता हूँ। हर एक जाति में, हर एक तबके में हमारा इस कदर पकड़ है, सारा गुल खत्म कर देते एकदम, निस्तो नाबूद खत्म हो जाता बहाना जो हिंदू मुस्लिम का है। उन लोग के सामने हम खड़ा होकर पूजा करके उन लोग को दिखाते और नमाज भी पढ़ते हैं। हम गर्व से कहते हैं कि हम सभी देश के सभी जाति के लोग हमारे देश के भाई हैं, और लोग विकास और शिक्षा मुद्दे को लेकर वोट करें, उन्माद ना फैलाए। शहाबुद्दीन साहब की हैसियत आप जानते हैं, उनका नाम गुस्सा होगा आपको, नहीं कह रहे हैं वो लोग जानते हैं, आपसे हम नहीं कह रहे हैं, वो लोग जानते हैं कौन है शहाबुद्दीन साहब, अपने विरासत से पूछेंगे नाम शहाबुद्दीन साहब का, जो लोग जिंदा होगा आप बताइए। शहाबुद्दीन साहब ने सिवान को सबसे बड़ा उन वीर पुरुषों में से, जिसमें राजेंद्र बाबू और मौलाना मुलहक आजाद के बाद यदि सिवान जाना जाता है तो शहाबुद्दीन साहब के नाम से जाना जाता है, इनके नाम से तो एक मोहल्ला नहीं जाना जाता है। ये लोग बात करते हैं वैसे लोग का, जो लोग सरकार बनाता था बिगाड़ता था, मरहूम साहब हमारे नहीं रहे। और मैं इनको बताना चाहूँगा, वो कहते हैं ना तो गुफरान अहमद सिद्दीकी को रोक के दिखा दे, मैं शहाबुद्दीन साहब के नक्शे कदम को फॉलो करता हूँ और उन्हीं के तरह बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ फिर आपके माध्यम से कि मैं चाहूँगा सिवान को भ्रष्टाचारियों से, बलात्कारियों से, नशा से, क्राइम से, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधारना है और गलत चीज़ों से दूर करना है, तो हर जगह हर जिले में शहाबुद्दीन जैसा वीर पैदा होना जरूरी है, तभी जाके इन जालिमों का खत्म होगा। शुक्रिया गुफरान साहब, धन्यवाद। ये देखिए, अलग अलग आपको बाइट, अलग अलग मीडिया के सामने नेताजी लोग अपनी अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन
आने वाला 28 तारीख 30 तारीख बता देगा कि रियल में मुद्दे पे चुनाव हुआ है। बिल्कुल या कहूंगा सर, मैं आपके माध्यम से चुनाव लड़ना है, मैं हाथ जोड़ के सभी जितने भी प्रतिनिधि कैंडिडेट हैं सभी से आग्रह करूंगा कि मुद्दे की बात करें, स्वास्थ्य शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, उन्माद वाली बात करके वोट नहीं मांगे और भाईचारा को खराब नहीं करें। हमारी नम्र निवेदन है उन सभी दंगाइयों उन्मादियों से।